रोटी कपड़ा और मकान। ये तीन चीज के लिए आदमी लोग दिन भर भागते रहता है। ये तीन चीज बिना मेहनत की नहीं मिलते हैं। हर इंसान मेहनत करते हैं अमीर बनने के लिए, लेकिन गांव के लोग मेहनत करते हैं दो वक्त रोटी के लिए। गांव के लोग खून पोछना एक करके कितनी मेहनत करते हैं ये कोई नहीं जानता, वही जानते हैं जो मेहनत करता है। 80 के दशक में लोग गाय हल से खेती करते थे, लेकिन अब खेती ट्रैक्टर हल से की जाती है। खेती किसान की किस्मत बदल दे सकती है, क्योंकि किसान फसल उगाते हैं। ये तरीका तो किसानों को अमीर बना देगा, लेकिन ना समझने के कारण दूसरा ही अमीर बन जाता है। किसान फसल उगाते हैं बसने के लिए और बेचने के लिए, लेकिन उन लोग का मेहनत की फल और किसी को मिलता है, इसलिए किसान किसान ही रह जाता है। किसान मेहनत करके फसल उगाता है, इसलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। कभी सर्दी में तो कभी बरसात में किसान दिन भर खेत में काम करता है। किसानों ने धान की खेती को मुख्य रूप से चुन लेते हैं। बरसात के दौरान किसान धान की कई प्रकार की खेती करते हैं, जैसे कि आउश, आमन और बोरो। भारत के पश्चिम बंगाल में बरसात का मौसम शुरू होते हैं जुलाई अगस्त महीना में। इस बरसात के मौसम में किसान कई प्रकार के धान की खेती करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग इस धान को कहते हैं हेमती धान। ये हेमती धान कोई प्रकार की होती है, जैसे कि तुलाई पंजी, कालो लुनिया, कटारी भोग, सीता भोग और भी बहुत कुछ है। इसे खरीफ फसल कहा जाता है, क्योंकि ये बरसात के मौसम में उगाती है। किसान इस धान की खेती मई और जून महीने से शुरू करते हैं। रोपण, खेत की देखभाल करना, खेत से धान घर लाना। नवंबर और दिसंबर महीने तक किसान लोग धान की जमीन पर काम करते हैं। किसान के मन में बहुत दुख है, फिर भी नया धान घर आने पर किसान त्यौहार मनाते हैं, जिसे नवान्न कहते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल में बहुत सारा धान उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कूचबिहार जिला, इस जिले में ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम इंद्रनारायण। तूफान और बारिश को हराए दिन ब दिन किसान लोग खेती में काम करता रहता है। किसान इस फसल को उगाकर खुद को और दूसरा को बचाए जाते हैं। कूचबिहार जिले के लोग अंकुर वृक्ष को कहते हैं बिचन और बीजतला, जिसे तैयार करने में काफी मेहनत लगती है। 4 या 5 पत्ती वाला एक पेड़, जिसे खेती में लगाया जाता है। बांग्ला भाषा में इसे कहते हैं रुआ गाड़ा। एक आदमी जो जमीन पर काम करता रहता है, इस व्यक्ति को किसान कहा जाता है। जो फसल उगाने और लोगों के मुंह में हर दिन हर साल खाना डालने के लिए कड़ी मेहनत करता है। क्या ये किसान अमीर नहीं है?